हुई है और किसी भी कारण से बीपी, किसी भी कारण से कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से, ट्रिग्लिसराइड के बढ़ने से, हार्ट के प्रॉब्लम से, अस्थमा के कारण से और बहुत ज्यादा स्ट्रेस के कारण से, किसी भी कारण से बीपी और प्राणायाम से 100% आपका कंट्रोल तो हो ही जाता है पहले दिन से, बाद में क्या और हो जाता है। धीरे धीरे चेक करते रहना, दवाइयां बंद हो जाएंगी और बाद में बीपी होगा ही नहीं। बहुत से लोग कहते हैं बोले स्वामी जी बीपी की गोलियां बंद कर दी तो नुकसान हो गया तो जिम्मेदार कौन? तुम बीपी की गोलियां खाते खाते पैदा हुए थे क्या, या बचपन से खा रहे थे तुम? जब पहले बीपी नहीं था ऐसे नॉर्मल हो जाओगे तुम प्राणायाम के करने से, जैसे तुम पहले थे, बीपी होने से पहले जैसे तुम थे वैसे हो जाओगे। इसलिए बीपी परमानेंट क्योर होता है, ये बात हमने देखी, अनुभव की, इसलिए आपको बता रहे हैं क्या करना। प्राणायाम सहज करना, जोर से प्राणायाम नहीं करना। देखो आप भस्त्रिका कपालभाति बाह्य अनुलोम विलोम भ्रामरी प्राणायाम यदि जोर से करेंगे तो बीपी बढ़ेगा, और मध्यम गति से करेंगे तो ठीक होगा, और बिल्कुल ही धीरे करेंगे तो कुछ नहीं होगा। मान लीजिए आप बीपी और आप ऐसे बैठे बैठे हिलने ही नहीं देंगे शरीर को तो भी गलत। मध्यम गति, मध्यम शक्ति से करना, यू जोर से नहीं करना, इससे बढ़ जाएगा। अनुलोम विलोम भी, कपाल भाती भी, ऐसे जोर से करेंगे तो बीपी बढ़ेगा, इसलिए धीमी गति से करना। खास बात, धीमी गति से प्राणायाम करना। कैसे? दोनों हाथ घुटनों के ध्यान मुद्रा में बैठ करके करना। ऐसे बैठने से बीपी ठीक होता है, ये पॉइंट पे ऐसे बैठने से बीपी ठीक होता है, ये आपको प्रेशर का पॉइंट है, इसको दबाने से भी बीपी ठीक होता है, ये स्ट्रेस को, तनाव को, डिप्रेशन को, अवसाद को और भी तमाम समस्याओं को ठीक करती है। ये उंगली यहां से ऐसे दबाने से, भगवान ने सारे उपचार आपके हाथों में दिए हुए। आप ऐसे बैठ करके बीपी वाले कर सकते हैं और ऐसे भी बैठ के, ध्यान मुद्रा में भी बैठ के, सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन, जिस आसन में आप बैठ सके सीधे उसी में बैठ करके प्राणायाम करना आपको। यदि नीचे ना बैठ सके तो चेयर पर बैठ करके भी आपको प्राणायाम करना है, चेयर पर बैठ के आप प्राणायाम कर सकते हैं। यदि नीचे बैठने में आप असमर्थ हैं तो, और आप सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, किसी भी एक आसन विशेष में सीधे बैठ करके प्राणायाम करेंगे, श्वासों को भीतर गहरा भरेंगे, नहीं करना ऐसे नहीं करना। बीपी वाले पेशेंट बहुत तीव्रता से ना करें, बस इतना ध्यान दें, लंबा गहरा सांस भरना, बाहर छोड़ना, सहज करना, और सांसों को भरते हुए पूरी श्रद्धा से, समर्पण के साथ ब्रह्म का आवाहन करते हुए, प्रभु ज्योति दो, शक्ति दो, साहस दो, धैर्य दो, विवेक दो, प्रज्ञा दो, ऊर्जा दो, आत्मविश्वास दो, भगवान से प्रार्थना करते रहो, प्राणायाम करते रहो। आदमी को बीपी होता क्यों है? भय से, चिंता से, तनाव से, असुरक्षा के भाव से। ये स्ट्रेस पैदा होने का कारण क्या है? नास्तिकता। तुम आस्तिक होकर के प्राणायाम करो। आस्तिक माने अस्तित्व को स्वीकार करने वाला। आस्तिकता कोई ढोंग नहीं, पाखंड नहीं, आडंबर नहीं, अंधविश्वास नहीं। आस्तिकता का अर्थ है अपने अस्तित्व में आस्था रखो। तुम हो ना तो तुम आस्तिक हो, और तुम्हारा अस्तित्व किसी और की वजह से टिका हुआ। तुम अपनी मर्जी से इस दुनिया में नहीं आए, नहीं अपनी इच्छा से इस दुनिया से तुम जाना चाहते हो। कोई ताकत है जो तुम्हें जीवन देती है, जिंदगी देती है, श्वास देती है, प्राण देती है, इस अस्तित्व को बनाए रखती है, और जब समय है, वक्त पूरा हो जाता है तो तुम्हें वापस बुला लेती है। इसलिए मौत के सामने सम्मान हो जाते, कहते हैं हाँ कोई ताकत जरूर है, क्योंकि उस समय तुम रहना चाहते हो और कोई शक्ति है जो तुम्हें बुला लेती है कि अब तुम्हारा काम हो गया, तुम आ जाओ। आस्तिकता का अर्थ अपने अस्तित्व को स्वीकार करना। आस्तिकता का अर्थ है उस विराट प्रभु को, उस सच्चिदानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान परमेश्वर को स्वीकार करना। तो एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है, एक सुप्रीम पावर, एक सुप्रीम एनर्जी जो पूरी दुनिया को चला रही है। दिखती नहीं हो, तुम भी दिखती कहां हो, शरीर दिख रहा है, और शरीर तो यही रहता है जिसको हम मौत कहते हैं, मृत्यु कहते हैं। उस समय ये देह तो यहीं पर रहता है, इसके भीतर की कोई शक्ति निकल जाती है, उस शक्ति का कोई आकार नहीं। इसी तरह से ये विराट ब्रह्म, वो परमेश्वर जो निराकार होकर के सब आकारों को घड़ता है, जो अमूर्त रह करके सब मूर्त
जगत का निर्माण करता है उसके ऊपर आस्था रखना, भयभीत ना होना। जो जिंदगी में होने वाला है वो होगा, उसको तुम टाल नहीं सकते। तुम पुरुषार्थ करके, तुम परिश्रम करके, तुम मेहनत करके अशुभ को टाल सकते हो। इसलिए परिश्रम करना, ईश्वर पर विश्वास रखना, भयभीत नहीं होना, असुरक्षित महसूस नहीं करना। वो परमपिता परमेश्वर अपने हजारों हाथों से तुम्हें आशीष दे रहे, तुम महसूस तो करना। एकदम सहज हो जाओ, देखो सांसों को भीतर गहरे भरो और ये विचार करो उस प्रभु की कृपा बरस रही है, उसका अमृत बरस रहा है, उसकी ज्योति उसका ज्ञान बरस रहा है। इस भाव से करना, स्ट्रेस ये तनाव ये आपाधापी सब बंद हो जाएगी, हाय हाय भीतर की, तो बीपी ऐसे ठीक हो जाएगा। सांसों को भीतर गहरे भरना, यूं भरा ये छोड़ दिया, ज्यादा ताकत नहीं लगाना, जितना भर सके धीरे धीरे गहरा भरना, बाहर छोड़ना। इस तरह से 2 मिनट कर लें। अभी तक आप योग के बारे में सुनते रहते थे कि जिनको बीपी है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम, उनको योग नहीं करना। न जाने कहां से भ्रांतियां पैदा कर देते हैं लोग। पहली बात तो यह कि योग के नाम पर एक भ्रांति, आसनों को योग मान लिया था लोगों ने। आसन तो योग का एक अंग है, अष्टांग योग भी संपूर्ण योग नहीं है, यह भी गलतफहमी में मत रहना। महर्षि पतंजलि ने योग को तो शुरू किया, अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोध, और समापन किया पुरुषार्थ शून्य नाम गुणानाम प्रतिप्रसवः कैवल्यम स्वरूप प्रतिशवचित शक्ति रीति। इसमें अष्टांग योग भी एक प्रक्रिया है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयः अष्टवंगानि योगांग अनुष्ठानात शुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति अविवेक ख्याति। ये भी एक उपाय है अष्टांग योग का, क्लेशों को मिटाने के लिए, विवेक ख्याति की स्थिति को पाने के लिए, अशुद्धि के क्षय के लिए। अहिंसा सत्यस्य ब्रह्मचर्य परिग्रह यमः सोत संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमः सिर सुखमासनम प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्यम ततो द्वंद्व अनभिघात श्वास प्रश्वास रोगति विच्छेद प्राणायाम। और इसके बाद में सविषय संप्रयोग चित्त सर्वानुकार इंद्रियाणां प्रत्याहार देशवंत चित्तस्य धारणा तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम तदेवार्थमात निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधिः। ये अष्टांग योग भी एक प्रक्रिया है। ऐसी योग में मुख्य रूप से आपको जो लाभ देता है आरोग्य की दृष्टि से वो आसन नहीं। आसन तो सामान्य आपके जॉइंट्स को अच्छा रखते हैं कुछ हड्डियों के रोगों में, और कुछ आसन आपके जो अंदर के ग्लैंड्स हैं एंडोक्राइन सिस्टम उसमें भी लाभ देते हैं, और मुख्य रूप से स्पाइन में लाभ करते हैं। बाकी सारा लाभ प्राणायाम से होता है, और आसन भी वही लाभ करते हैं जो प्राणायाम पूर्वक किए जाते हैं। इसलिए प्राणायाम करना, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको बीपी है, वे प्राणायाम नहीं करेंगे तो मरेंगे। वैसे मरना तो सबको ही है, परंतु वो बिना मौत के मरेंगे। यदि प्राणायाम किया तो अपनी आयु तो सबको ही मरना है, मुझे भी अमर नहीं रहना, आपको भी अमर नहीं रहना। इसलिए मैं ठीक विपरीत कह रहा हूं। पहले आप सुनते थे बोले हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, तो योग नहीं करना और प्राणायाम तो करना ही नहीं। ये गलत अवधारणा, इसको तोड़ो। प्राणायाम करो सहज, और दोनों ही से मुक्ति पाओ, हार्ट की प्रॉब्लम से भी। प्रतिवर्ष दवा खाते खाते भी कोरोनरी हार्ट डिजीज से भारत के अंदर ही करीब 30 लाख लोग मर रहे हैं, और पूरी दुनिया की तो बात ही क्या। और हाइपरटेंशन से दवा खा रहे हैं, दवा खाते खाते भी बीपी बढ़ गया, चिंता से तनाव से बीपी बढ़ जाता, तुम क्या कर लोगे। ये बोलते हैं बीपी शुगर बढ़ता है घटता है दवा खाने से, लेकिन योग से ये एकदम कंट्रोल रहता है। ये खास बात, तनाव आएगा ही नहीं, तनाव पैदा ही नहीं होगा तो बढ़ेगा ही नहीं, तो दवा खाते खाते बीपी बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाती है, उससे और नुकसान होते हैं। अब बीपी की दवा खा रहे हैं और बीपी की दवा खाते खाते पता लगा ब्रेन हेमरेज हो गया, पैरालिसिस हो गया, किडनियां खराब हो गई, और दूसरे बेहाल हो गए, तो नर्वस सिस्टम की दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है, और दवा खाते खाते डिप्रेशन ही आ जाता है बीपी की दवा खाते खाते। मेरे भाई प्राणायाम करना सहज, धीरे धीरे दवाइयां बंद हो जाएंगी, वक्त ही तो लगेगा ना। तुम तो जिंदगी भर का तुमने सामान इकट्ठा कर रखा था दवाइयां, अब मैं कह रहा हूं कि अब एक दिन से लेकर के एक सप्ताह मैक्सिमम लोगों को, और कुछ लोग बच भी जाते हैं तो 2-3 महीने लगेंगे, लेकिन बीपी परमानेंट कोर हो जाएगा। सहज श्वासों को भीतर गहरा भरना,
ब्रह्मावस्थित हो, मैं प्रभु के आनंदमय गोद में हूँ। चारों ओर से प्रभु का अमृत बरस रहा है, चारों ओर से प्रभु की ज्योति, उसकी करुणा, उसका आनंद बरस रहा है। इस भाव से भस्त्री का प्राणायाम 2 मिनट करना, जब थक जाओ तब बीच में रुक जाना, बहुत तेजी से नहीं करना। फिर इसके बाद कपालभाति प्राणायाम। मध्यम गति से, मध्यम गति से, मीडियम स्पीड, मीडियम पल्स, श्वासों को बाहर छोड़ना, यूं नहीं करना। ऐसे करने से बीपी बढ़ेगा, मध्यम गति से करना। कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है तो वो भी अपने आप इसी से ठीक हो जाएगा। हार्ट के ब्लॉकेज इसी से निकल जाएंगे, बड़ा हुआ फैट इसी से कम हो जाएगा। मोटापे के कारण से भी बीपी हो जाता है, डायबिटीज वालों को भी बीपी हो जाता है, इससे डायबिटीज भी ठीक होगी। माने ये 7 प्राणायाम संजीवनी है, धरती की संजीवनी, महौषध। और इनको मैं कहता हूं कैंसर के रोगियों के लिए नेचुरल केमो रेडिएशन का काम करते यही प्रक्रिया है। और आर्थराइटिस पेशेंट वालों के लिए ये नेचुरल स्टेरॉइड का काम करती है, नेचुरल पेन किलर का काम करती है। अद्भुत है ये प्राणायाम, 7 प्राणायाम जो हमने देखा और जो पाया, जो अनुभव किया, वो आपको हमने बार बार यही बताया कि 7 प्राणायाम करो और इससे ही 99% तुम्हारी बीमारियां ठीक हो जाती है। 1% मैं इसलिए कह देता हूं इस बात को, 100% ही लाभ होता ही है, लेकिन 1% उन लोगों के लिए जगह छोड़ देते हैं जो बहुत ज्यादा नकारात्मक है, जो करने से, कराने से भी जो नहीं करते, समझाने से भी जो नहीं समझते। अब जागे हुए लेकिन फिर भी नहीं उठते, उनको कौन उठा सकता है? उनके लिए मैं कह नहीं सकता, अन्यथा जो इससे ने प्राणायाम किया उसको बीपी नहीं रहा, उसको हार्ट के ब्लॉकेज तक निकल गए, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड सब कुछ नॉर्मल हो गया। कपालभाति प्राणायाम अद्भुत, अद्भुत। मध्यम गति से करना, कैसे? करते करते मस्त हो जाना, शासन के साथ, विराट के साथ खो जाना, सब विकार बाहर निकल रहे हैं, अशुद्धियां बाहर निकल रहे हैं, इस भाव के साथ करना। और करते करते तुम पाओगे उस विराट के साथ अपने आप को, उसी के साथ तुम एकाकार हो जाओ। मैं मिट जाएगा, अहंकार मिट जाएगा, भय मिट जाएगा, क्रोध मिट जाएगा, वितृष्णा मिट जाएगी, लोभ मिट जाएगा, तुम पूर्ण हो। क्यों तुम दुखी हो? क्यों तुम हताश, निराश, उदास हो? यही हताशा, यही उदासी, यही निराशा तुम्हें बीपी की प्रॉब्लम करती है कि मैं कुछ भी नहीं। तू सब कुछ है, तू ईश्वर का पुत्र है, इससे ज्यादा और तुझे चाहिए क्या? तुम ईश्वर के पुत्र हो, तुम सदा ही पूर्ण हो। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तुम ईश्वर पुत्र हो, छोड़ो निराशा, छोड़ो हताशा, छोड़ो उदासी, अब तो जागो। अमृतस्य पुत्रः, ए अमृत पुत्र, तुम्हारे भीतर ही अमृत है, मूलाधार से, मणिपुर चक्र से जब अमृत छलकेगा तब यह देह देवालय बन जाएगा, शिवालय बन जाएगा, तुम भगवान के पुत्र बन जाओगे। और तुम अपने दिव्य कर्म के सृजन से इस धरती पर स्वर्ग का अवतरण कर दोगे। तुम्हारे भीतर तो स्वयं भगवान है, तुम अपने आप को इंसान माने बैठे हो, ये तुम्हारा भ्रम है। तुम ईश्वर के पुत्र हो, यहां तुम्हारी नहीं भगवान के, यहां की तुम्हारी नहीं भगवान की। जिस दिन इन आंखों से भगवान देखने लग जाए, माने तुम प्रेम और करुणा की दृष्टि से देखो, अपने ही स्वरूप को सबके भीतर देखो, नरमी नारायण को देखो, आंखें दिव्य हो गई। हर शब्द के पीछे, हर ध्वनि के पीछे उसी ब्रह्म के ननाद को सुनो। जब बोलो तब ये इस तरह से बोलो कि तुम्हारी वाणी ब्रह्म को अर्पित हो रही है। कर्म करो तो कर्म करने की क्षमता, शक्ति वो भगवान दे रहा है। इस भाव से पूरा जीवन बदल जाएगा, बीपी तो बात ही क्या, सब कुछ रूपांतरित हो जाएगा।
सासों को बाहर छोड़ना।